बहुत बार बोलता हूँ, हाँ तो एक ऐसा लगे ये कर दिया, आप कुछ भी पूछते हैं तो मेरा ये जवाब देता है कभी कभी, मैं देख लेता हूँ तुम जाओ, तुम लोग देख लेना कैसे मयूर के किनारे भी हो ना, वो गुरु है कि देवता है जो मेरे सामने है बैठे हुए, तो इस चर्चा के संस्करण इसलिए बताता हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो या मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो उस गलती का प्रायश्चित हो, और माँ भगवती की वाली प्रायश्चित की धारा है जिसके ब्रह्मांड इस संसार में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस संस्करण का ये पाठ और हवन मैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख कर रहा हूँ, 5 से 9 तारीख तक पाठ होगा, 1000 पाठ प्रचुर प्रकार ब्राह्मणों से 1000 पाठ किए जाएंगे यहीं आश्रम में, और 10 तारीख को उसका हवन किया जाएगा। मैं सभी आमंत्रित करता हूँ कि उस करना, पहले तो लोग मंत्र के हवन के लिए ही करते थे, बाद में शरीर के हवन करना और भी कई बात है, लेकिन अस्थाजी करना उससे जब माता ने या प्रभु मिश्र गुरुदेव जी ने ये हमेशा आश्रम दिया है, और आप सब हजारों की संख्या में आए मेरे पास, ये जमाने में था पहले तेलंगाना हैदराबाद के लोग यहाँ मेरे पास के लोग मेरे पास रहते, बाद में कर्नाटक हुआ, बाद में तमिलनाडु हुआ, बाद में छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, आज यूपी मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के शो यहाँ आते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु जी अपनी तरफ से जितना भी अपना कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य करते ही चले जा रहे हैं, और वो उससे भी मनोकामना करने के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं हर साल यह कार्य इस राजनीति में साधनाएं करना, और इस राजनीति में जो भी शोधित महासचिव महाकाली तिरंग भी पूजा करता हूँ, इसलिए कि आप सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आदि बड़ा शक्ति मानधारा भी हो, आप सभी को शक्ति प्रदान करें और यह भी शक्ति प्रदान करें कि आपकी सारी समस्याओं को मैं समाधान दे सकूँ। वो कार्य 10 तारीख को होने वाला है। वैसे सदगुरुदेव जी की कृपा से आप मुझे आप गुरु भाई को, गुरु बहन को, गुरु शिष्य को, गुरु प्रेमी को हो या और कुछ भी हो, तो इन्होंने मुझे इतनी संपन्नता प्रदान की है कि मैं हर एक का नाम लेते लेते नहीं सकता, आज आश्रमवासी भी हो या और भी बाहर के जितने भी शिष्य समुदाय हो, मेरे को कहना ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो लोग आगे बढ़ कर आते हैं कि मुझे हमारा क्या हमारी क्या सेवा है, और आखिर अपनी सेवा के माध्यम से मेरी सेवा करते हैं, तो मैं अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली समझूंगा जो लोग अपने तरफ से आकर स्वीकार करते हैं, जितना भी नाम हो सभी का नाम आश्रमवासी, आज मैं कहता हूँ मेरा एक काम मतलब बोल करके काम करना है तो मैं कहता हूँ 2 दिन हो जाए तो पहले एक ही दिन में लोग काम करते हैं, और उन लोगों के बारे में किसी के बारे में मैं कहूँ तो सभी लोग मेरे को बोलेंगे ऐसे शिष्य ऐसे गुरु भाई ऐसे प्रेम दे दिए हैं कि जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मेरा सारा कार्य ऑटोमेटिक होने लगता है, और ये गुरु कृपा ही निर्भर है। मैं प्रतिष्ठ यही कह रहा था कि अगर हम गुरु से ना जुड़ते और अपने घर में होते तो बुलाए तो भी कोई आता नहीं था, अपनी बुलाए बुला कर नाच करना तो दूर की बात है, जो गालियाँ देखी जाते हैं अगर शरीर संबंधी हो तो, लेकिन आप एक कितने सौभाग्यवान हैं लोग नमस्कार करके अपने को सब्जी की चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसका मतलब है गुरु कृपा ही कुछ देखता है, और इसके लिए कितना झूझना पड़ा मुझे मुझे पता है। एक बात मैं कहता हूँ, एक बार तुम समर्पण करके तो देखो अपने आप को गुरु को, और गुरु कहेंगे तू मेरा है तो मुझे तुम्हें पीछे कट के देखना नहीं होगा, लेकिन उस कष्टों को सहने के उस समस्या को सहने के बहुत कुछ कहना पड़ता है। मैंने बहुत बार आपको उदाहरण दिया था, श्री कृष्ण के दोस्त जो मित्र थे सुदामा अपने घर में कृष्ण से युद्ध किया है, कभी भी कृष्ण कृष्ण नहीं कहा करते थे, पत्नी थी उनको 12 बच्चे हुए, गरीबी में जीवन काटता था, फटी हुई धोती जो भी मिलता था उससे ही घर चलाते थे, और पत्नी रोज गालियां देती थी ये क्या कृष्ण कृष्ण कहते हो घर चलना, बच्चों को इतने बजा के उसको कैसा पालोगे इतना कुछ ये नहीं ले गया, और सभी की बातें पत्नी की बातें सुनते थे, नाव और की बातें सुनते थे, आखिर ये बात के पता चले कि पौत्र कृष्ण नाम का पौत्र कृष्ण नाम का वहाँ राजा था, उसने कहा कि हे सुदामा तू जिस कृष्ण की बात करता है उसको छोड़ दे, तू मेरा नाम ले मुझे गौरव की नाम तुम्हारे को क्या घर चला नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या लिखा है, फिर माता पिता, फिर घर के लोग, फिर बाहर के लोग, सब लोग मेरे नारे धन शुरू करें,
समझ गया थे कि एक गुरु के शरण होगी। और जब उस समस्थिति में भी एक है कि लेकिन मैं एक गुरु साथ में गुरु को नहीं छोड़ूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा गुरु और भी दर्शन पहुंचाए। लेकिन उस कष्ट में अगर आप एक और एक ऐसे हुए गुरु को पता चल जाए कि तू मेरा है तो आपको कुछ समझ में नहीं था। सुधाम से सुधाम हो आखिर में पति ने तर्क आकर कहा कि कृष्ण कृष्ण क्या तर्क कहते हो तुम्हारा कृष्ण तो वो वहाँ तो वो भो कराए वहाँ एक बार कृष्ण को ज्यादा पूछते क्यों नहीं। सुधा में जीवन भर में कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कहा लेकिन कुछ पूछने में गए कृष्ण को पूछना नहीं यही बात था उसने यही इच्छा थी उसकी कि मैं कृष्ण को कुछ पूछता है। आखिर पत्नी के कहने पर वो गया गया तो पति को कहा मैं मेरे दूसरे के पास जाऊँ उसकी भी क्या ही कहा मैंने तुझे रखा गया घर में ले जाने के लिए। आखिर थोड़ी सी जो चावल थी जो कुहा था उसको अपने गठन में बात करेंगे जैसे जैसे मैं जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि वो 5 रुपये लेकर वो गोलों में जैसे जा रही थी और मेरे आंखों में आंसू थे वही तीन सुलावा नहीं उसके पास कुछ नहीं था केवल कृष्ण का नाम था और वो वहाँ अपनी गठन में बात कर गया कभी कृष्ण को कुछ नहीं मांगा यही रहा तो वो किस में कहता था कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ उससे क्या मांगू वो जो गया उसमें कुछ वो जो गया वो जो कट ले गया उसमें कुछ और ये कहते हैं वो गया कृष्ण जब कृष्ण के पास जब गया तो कृष्ण ने लिए तो कैसी परीक्षा देगी कृष्ण ने जब सुदामा को मिले सुदामा को लेकर आए तो कृष्ण ने पूर्ण पूजा होने के बाद सुदामा से पूछा मेरे लिए क्या आए सुदामा के आंखों में आंसू थे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ तू बाहर आया है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ और वो इसकी उसको इसकी तरफ आई थी कि इतने महाराज इतने बड़े महल में अगर मैं कहूँ कि मैं एक बार ना छोटा सा बोहर आया हूँ तो मेरे सबको हंसी उसमें उसकी बदलियाँ भी हंसेंगी और वो बाहर आए लेकिन कृष्ण तो थे बहुत चंचल थे मैंने उसका वहाँ खींचा और कहा ये तो ये कर लिया मुझे दो में ये दो में क्या उधर सुनाम की आंखों में आंसू थे कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं तुझे क्या चाहिए तुझे नहीं पूछा कृष्ण कहते हैं कि ये सुनामा तू मेरी रक्षा इतना उतर रहा मैं मेरा सारा सामान तो तुझे नहीं जब तक तुम गुरु को पूछ ले कि मैं मेरा उधर छोटा सा उदाहरण देता हूँ 1992 जब गुरु जी ने कहा था तब मुझे लगा कि मेरे पीछे ये मैं भारतीय रह रहा तो क्या ये राष्ट्र मेरा नहीं है मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र की विदेश कैसे आ रहा है मैंने तब से कहा कि प्रभु जी को कुछ नहीं मैं आपसे मांगूंगा और मैं एक शपथ ले ली एक वर्ष तक तो कुछ नहीं मांगूंगा और जो होना है वो भोगूंगा देखता हूँ मुझे इतनी शक्ति दिए इतना सामर्थ्य बहुत तरह उस परमेश्वर से यहाँ पर विनाय देता हूँ आज मैं गुरु जी का जब प्रभु जी का मालिक हूँ और उस दिन मैंने जो सहारा था आज आपके सामने कैसा रहता है शरण में इतने लोगों को लेकर चलते हो कुछ
संस्कार हमारे अंदर से इतना मधुर है, देखो खत्म हो जाएंगे जैसे निजी वो करते हैं, जो कुछ आता नहीं हो जाता। कृष्ण का गर्व चढ़ गया, इसको बहुत गर्व देना है।